अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। रोहन मुझे माँ बनाता है और हमारा ब्लड ग्रुप ही सेम है ना, मैच हो रहा है, मतलब मैं हूँ उसकी माँ। ओके, पर कोई और बात है क्या? मतलब वो आपकी आंखें भर आई हैं तो? नहीं, कोई और बात नहीं है सिस्टर, बस एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज ये ब्लड डोनेशन के बारे में किसी को बताइएगा मत, प्लीज आप किसी से मत कहिएगा कि रोहन को ब्लड मैंने दिया है, प्लीज। ठीक है, नहीं कहूँगी, थैंक यू। आरो सुन बेटा, तू एक काम कर, तू बड़ी मॉम के पास जा, ठीक है, उन्हीं के पास जाना। ठीक है माँ। और उनसे कहना कि मैं बस अभी आ जाऊँ, लेकिन उन्हें ये मत बताना कि मैं आऊँ, ठीक है? ठीक है माँ। आरो बेटा सुन, हमारे बीच की बात है, मतलब हमारा सीक्रेट है, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, तो किसी को नहीं बताएगी ना? नहीं बताऊंगी वा। पक्का प्रॉमिस? सीमेंट प्रॉमिस। गुड, चल बड़ी मॉम के पास जा, ठीक है? ठीक है। आप प्लीज इसे इसकी बड़ी मॉम के पास पहुंचा देंगी? ठीक है, आप चिंता मत करिए। अरे चंदू। जी सिस्टर। मैम को ब्लड डोनेशन रूम में लेकर जाओ, मैं वहीं आती हूँ थोड़ी देर में। आइए मैम। चलिए। दादी, क्या हो गया पासरून को? दादी आप प्लीज आप फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं होगा रोहन को, वो मेरा बेटा है, बहुत स्ट्रांग है, हाँ बहुत ब्रेव है, कुछ नहीं होगा उसे, हम सबको स्ट्रांग रहना पड़ेगा यहाँ पे ऐसे। बड़ी माँ रोहन कैसा है, ठीक है ना वो? पारो बेटा आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? डैड रोहन कैसा है, ठीक है ना वो? हाँ ठीक है, वो कुछ नहीं हुआ उसे, बस थोड़ी सी चोट लगी है, डॉक्टर अंकल है ना उसका इलाज कर रहे हैं, ठीक हो जाएगा। पारो बेटा आप यहाँ कैसे हैं? वो माँ कहाँ है आपकी? वो इसके साथ नहीं है, इसे मैं लाई हूँ। ओह गॉड, जस्ट लुक एट हर, कितनी गैर जिम्मेदार है, ऐसे अपनी बच्ची को अकेला छोड़ दिया। एग्जैक्टली, हाउ इररिस्पॉन्सिबल। नहीं प्रीति आंटी, मेरी माँ बहुत अच्छी है, हम दोनों का बहुत ख्याल रखती है, हम दोनों भाई बहन का बहुत ध्यान रखती है। तो बेटा आपकी माँ आपके साथ यहाँ क्यों नहीं आई? अभी नर्स ने कहा ना कि वो आपको यहाँ लेके आई है। नर्स आंटी का कहने का मतलब है माया मेरे साथ नहीं है, इसलिए ये मुझे यहाँ लेकर आई है, क्योंकि माँ ने मुझे हॉस्पिटल तक छोड़ दिया था। तो वो यहाँ क्यों नहीं आई आपके साथ बेटा? माँ आ रही थी, पर तभी नर्स आंटी ने रोहन के बारे में बताया माँ को, तो माँ को चिंता हो रही थी, और फिर उन्होंने कहा कि वो रोहन के लिए भगवान जी से प्रे करेंगे और फिर वो वापस आएगी, है ना आंटी? दवा के साथ दुआ भी जरूरी है। वैसे अच्छे हुआ जो वो यहाँ नहीं आई, यहाँ अगर भी तुम लोगों के ताने ही तो सुनती। हम प्लीज। क्या ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे मैंने कोई झूठ बोल दिया? अरे उसके पीठ पीछे तुम लोग बातें करने से नहीं रुकते, वो सामने आ जाती तो क्या तुम लोग उसे बख्श देते? दादी रिलैक्स प्लीज, हम लोग अभी सिर्फ रोहन के बारे में सोचते हैं, प्लीज। डैड रोहन का है, मैं मिल सकती हूँ उससे? पारो वो। हाँ बेटा अब अभी नहीं सर, अभी अलाउड नहीं है, आप थोड़ी देर बाद मिल सकते हैं। ठीक है, बट नर्स रोहन के लिए ब्लड चाहिए था, आप लोग ब्लड ढूंढ रहे थे, कहीं मिल नहीं रहा था, आप कहें तो मैं आसपास के कॉन्टैक्ट्स में फ़ोन करके पूछ सकता हूँ, ब्लड डोनेट कर सकते हैं लोग, मैं पूछूं? जी सर, ब्लड का अरेंजमेंट हो गया है, ब्लड मिल रहा है, आप टेंशन ना लें। थैंक गॉड, बट इतनी जल्दी कैसे आप लोगों ने अरेंज कर लिया? क्योंकि आसपास के ब्लड बैंक में फोन करके पूछा था, कहीं पे भी ब्लड अवेलेबल नहीं था, तो आप लोगों को ऐसे कैसे मिल गया इतनी जल्दी? वो एक अच्छी लेडी मिली, उनका भी लड़का है, तो जब उन्होंने रोहन की तकलीफ सुनी तो उन्होंने बताया कि उनका भी ब्लड ग्रुप वही है जो रोहन का है, तो वो रोहन के लिए ब्लड डोनेट कर रहे हैं। रब्बा तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने इतनी मेहर की, और रब्बा उसने एक औरत पे भी अपनी मेहर बनाए रखना। बहुत बहुत शुक्रिया उस माँ का, पापा उस माँ और उसके बच्चों को हमेशा खुश रखना, हमेशा साथ रखना। साक्षी भाभी, उस माँ ने तो हमारे रोहन को एक नई जिंदगी दे दी, सही मायने में वो एक माँ है, रोहन के लिए तो माँ से भी बढ़कर हो गई वो, रोहन को खून दिया है उसने, खून का रिश्ता हो गया, सचमुच भगवान उसे हमेशा हमेशा खुश रखे।
हम मिल सकते हैं उनसे, हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अभी वो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, मैं जाके आके बताती हूँ। ये सब कुछ लक्ष्मी की वजह से हुआ। वो थोड़ा सा ध्यान दे देती ना तो आज नौबत ही नहीं मनुष्का, आज रोहन को खून की जरूरत ही नहीं पड़ती, आज रोहन यहाँ होता ही नहीं। ये सब लक्ष्मी की वजह से हुआ, लक्ष्मी ने गिराया रोहन को। एक मिनट, अभी आपने क्या कहा प्रिटेंडी? यही कि लक्ष्मी की वजह से आज रोहन गिरा है, लक्ष्मी की वजह से रोहन की ये हालत है। नहीं गलत है, झूठ बोल रहे हो। बिहेव योरसेल्फ, ये क्या तरीका है मुझसे बात करने? कैसे बात करोगे आप मुझसे? मलिष्का, अगर आप झूठ बोल रहे होगे तो मैं ऐसी बात करूंगी। मेरी माँ को कोई झूठ झूठ नहीं बोल सकता। पारो, अनुष्का, पारो को घर ले जाओ, अपसेट है, सदमे में है, रोहन के साथ जो हुआ उसकी वजह से, ले जाओ इसे। जी मामी। नहीं एक मिनट चाची। बड़ी माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। पर मेरी माँ के बारे में कोई कुछ गलत नहीं बोलेगा, मेरी माँ ने कुछ नहीं किया, मेरी माँ बहुत अच्छी है। मतलब मैं गलत बोल रही हूँ पारो? मलिष्का, बात को क्यों बढ़ा रही हो इतना? मॉम, आप मुझे कह रहे हो? आप देखो तो कितनी छोटी सी बच्ची मुझसे किस तरीके से बात करी है, बिल्कुल लक्ष्मी की तरह बनती जा रही है। सुनाई नहीं दे रहा हम क्या कह रहे, बस करो। मॉम आप फिर से मुझे बोल रहे हो? तो बच्ची है वो, तुम बड़ी हो, तो तुम इस तरह बचपना दिखाओगी? अभी बात करो ये सब। मॉम अगर ये बच्ची है तो ये कुछ भी बोलेगी मुझे, और अगर बच्ची ने कोई गलती की है तो उसे तुरंत रोकना पड़ेगा हमें। ऐसे कुछ भी नहीं बोलती चली जाएगी। और यहाँ बात मेरे बेटे की है, मेरे बेटे पे मैं कोई खतरा नहीं आने दूंगी, याद रखना। और किसी की ऐसी बातें ना मैं सुनने नहीं आई हूँ यहाँ पे। अनुष्का। नहीं ऋषि, ये बात बिल्कुल सही है। सच यही है कि सब कुछ लक्ष्मी की वजह से हुआ है। आज लक्ष्मी की वजह से मेरा बेटा यहाँ आईसीयू में, उसको खून की जरूरत पड़ी है, सिर्फ तुम्हारी माँ की वजह से। तुम्हारी माँ की वजह से रोहन गिरा है, समझी तुम? नहीं, रोहन माँ की वजह से नहीं गिरा, मैं थी, मैंने खुद देखा क्या हुआ। मैं भी थी वहाँ पे। नहीं आप वहाँ नहीं थे। मैं थी वहाँ पे पारो, मैं वहीं पे खड़ी हुई थी, ऊपर सीढ़ियों पे थी, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, समझ रहे हो तुम? देखा, फिर भी माँ के लिए ऐसे बोल रहे हो? अगर आपने देखा तो आपको पता होना चाहिए ना, माँ ने कुछ नहीं किया। रोहन तो वहाँ पहले से चढ़ रहा था, उल्टा माँ उसे रोक रही थी। पारो तुम क्या बोल रही बेटा? लक्ष्मी उसे रोक रही थी? हाँ सहेली, माँ उसे बार बार कह रही थी कि वो उस रेलिंग पे ना चढ़े, गिर सकता है, चोट लग सकती है। पर मैंने भी मना किया, पर वो नहीं माना और खेलता रहा। हम बच्चे कभी कभी माँ की बात नहीं मानते कि हम गलती करते हैं, रोहन ने भी की और वो गिर गया। पर माँ उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, पर जब वो फिसला तब माँ सबसे पहले भाग कर उसके पास आई, उसे पकड़ने, और फिर आप भाग कर नीचे आई। पर रोहन माँ की वजह से नहीं गिरा, उसी की वजह से गिरा है वो। सब कुछ लक्ष्मी की वजह से हुआ, समझ पा रहा है तुम्हें? उसी ने वो राख उड़ाई थी, वो राख रोहन की आंखों में चली गई। मलिष्का बस करो, सच बोल रही हूँ मो, मैं सच बोल रही हूँ। नहीं आप झूठ बोल रहे हो। पारो तमीज से बात करना, मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकती, तुम्हें झूठ बोल रही हो मलिष्का? हाँ आप झूठ बोल रहे हो। कैसे बात करिए मुझसे? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। और सच यही है कि सब कुछ लक्ष्मी की वजह से हुआ, लक्ष्मी की वजह से आज मेरा बेटा यहाँ पे हॉस्पिटल में, उसकी हालत हुई सब लक्ष्मी की वजह से रोहन गिरा है, समझी तुम? नहीं मैं सच कह रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। अनुष्का निकल जाओ प्लीज, तुम्हारी माँ की वजह से मेरे बेटे की हालत है, याद रखना। तुम्हारी माँ और तुम्हारी मलिष्का चुप रहोगी? अरे तुम देखो कितनी बदतमीजी करके जा रही है। नहीं आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठे हो। मैं और माँ रोहन से बहुत दूर से, वहाँ से राख रोहन के पास जा ही नहीं सकती। जा सकती है और गई थी, इससे रोहन की हालत हुई है। नहीं आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठे और झूठे हो। एक शब्द और नहीं बोलोगी तुम? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।